आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको ये बात आसानी से समझा देगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाला हर प्रतिभागी सफल क्यों नहीं हो पाता। गांव के एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस सरोवर के बीच बहुत पुराना धातु का खंभा लगा हुआ था। वह खंभा काफी ऊंचा व उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन की बात है कि मेंढकों के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों न रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा। जो सबसे पहले खंभे के ऊपरी सतह पर पहुंचेगा उसे ही विजेता माना जाएगा। आखिर रेस का दिन भी आ पहुंचा। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी और हर तरफ शोर ही शोर। रेस शुरू हुई लेकिन खम्भे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को यकीन नहीं था कि कोई भी मेंढक खम्भे के ऊपरी सिरे तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता कि यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कोई भी रेस पूरी नहीं कर पाएगा और सफलता का तो सवाल ही नहीं उठता। इतने चिकने खम्भे पे चढ़ा नहीं जा सकता। और यह हो भी रहा था, कोई भी मेंढक कोशिश करता वह थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक तो दो तीन बार गिरने के बाद भी लगे हुए थे। भीड़ तो लगातार चिल्लाई जा रही थी कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। ये सुनकर कुछ उत्साहित मेंढक भी हताश हो गए और उन्होंने प्रयास करना ही छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक नन्हा मेंढक जो बार बार गिरने के बावजूद उसी जोश व जुनून के साथ लगा हुआ था, वह धीरे धीरे लगातार ऊपर की तरह चढ़ता रहा और अंत वह खम्भे के ऊपर पहुंच गया और रेस का विजेता बन गया। उसकी जीत पर सभी को घोर आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि तुमने यह असंभव कार्य कैसे संभव कर दिखाया, भला तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति की शक्ति कहां से मिली, जरा हमें भी तो बताओ तुमने यह विजय कैसे हासिल की। तभी पीछे से आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। दोस्तों, हमारा समाज ऐसा ही है। हो सकता है चारों तरफ फैली नकारात्मक आवाजों के कारण अब तक हम अपना सही मूल्यांकन ना कर सके हों। हो सकता है कोई कारण हो जिससे हम किसी और की असफलता को देखकर हम भी ये सोचने लगते हैं कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। हो सकता है अब तक आप किसी और की बात को मानकर और उस पर अमल करके सफल ना हो पाए हों। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे चारों तरफ नकारात्मक आवाजों व दृश्यों के प्रति हम बहरे व अंधे हो जाएं। इतिहास साक्षी है कि सफल और कामयाब वही होता है जो किसी की नहीं सुनता और खुद की सुनता है और उस पर यकीन करता है। इसलिए नाकामयाबी से डरिए मत, जो सोचा है उसे कर जाइए। आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।